वीडियो में एक न्यू रॉम इंस्टॉल कर रखा अपने पोको के M2 प्रो में, और गाइस ये आप चारों ही डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो। काफी स्टेबल बिल्ड है, काफी अच्छी यहाँ पे रॉम देखने को मिल जाती है। डेली ड्राइवर के लिए काफी अच्छा रॉम देखने को मिलता है, गेमिंग के लिए आपको ये रॉम रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आप गेमिंग के लिए कोई रॉम सर्च करे तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको दिखा दूं तो रॉम का नाम देखने को मिलता है पिक्सेल एक्सटेंडेड, जो कि वर्जन 3.2 देखने को मिलता है। और गाइस एक ऑफिशियल बिल्ड यहाँ पे रिलीज हुआ है, एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड ये रॉम देखने को मिलता है, और इसका आपको बिल्ड डेट देखने को मिलता है 1 अक्टूबर का। काफी लेटेस्ट बिल्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर अबाउट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सटेंडेड वर्जन 3.2 देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट देखने को मिलता है 5 सितंबर का, और नीचे की तरफ में आपको यहाँ पे डिफॉल्ट कर्नल है लीनेज OS कर्नल देखने को मिलता है, जो कि वर्जन 4.14.190 पे बेस देखने को मिल जाता है। काफी अच्छी बिल्ड है, आपको यहाँ पे पिक्सल के सभी यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाता है, और काफी अच्छा यहाँ पे रॉम का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है डेली यूज के लिए। यहाँ पे अगर सिस्टम सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको गेस्चर्स में तीनों ही गेस्चर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका डिवाइस यहाँ पे गेस्चर नेविगेशन के साथ आता है। आप चाहिए तो 2 बटन नेविगेशन और 3 बटन नेविगेशन में भी स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको गेस्चर नेविगेशन में, और एडवांस ऑप्शन में आपको यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पे गाइस स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है, 3 फिंगर से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह कैप्चर कर सकते हैं। ऊपर की तरफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले की सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपने डिवाइस को स्विच कर सकते हो डार्क थीम और लाइट थीम। नीचे की तरफ में आप देखोगे तो आपको अडेप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसे आप एनेबल डिसेबल कर सकते हो। और यहाँ पे एडवांस में अगर आप देखोगे तो स्टाइल्स एंड वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको एक ही स्टाइल देखने को मिल जाता है, लेकिन गाइस यहाँ पे वॉलपेपर्स आपको कई सारे इस रॉम के साथ प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाए। जैसे कि आपका यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो यहाँ पे आपको कई सारे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाए। ग्रिड साइज में आप देखोगे तो 4 ग्रिड साइज देखने को मिलता है। वॉच फेसेस का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। नीचे की तरफ में देखोगे तो आपको यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, डिस्प्ले की साइड यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो, और नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको थीम्स की सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक दोनों का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है, दोनों ही काफी अच्छे से वर्किंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आपको फेस अनलॉक चेक करके दिखाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेस अनलॉक काफी अच्छे से वर्किंग देखने को मिल जाता है, और फिंगरप्रिंट की बात करते हो फिंगरप्रिंट की भी स्पीड काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, फिंगरप्रिंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे आपको ऐप लॉकर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों की मदद से आप ऐप लॉकर को एक्सेस कर सकते हो। तो ऐप सिक्योरिटी सेटिंग्स में आपको कोई भी बग या कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे गाइस ऊपर की तरफ में देखोगे तो आपको कस्टमाइजेशन का टैब देखने को मिलेगा पिक्सल डेन नाम का, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन का सभी टैब देखने को मिलेगा। सबसे हाईलाइटेड यहाँ पे वर्जन देखने को मिलता है गेमिंग मोड, जो कि एंड्रॉइड 11 का लेटेस्ट गेमिंग मोड आपको इस रॉम में प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो भी गेम लिस्ट में आपको यहाँ पे गेम्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि काफी टाइम पे ये डिटेक्ट नहीं करता है। यहाँ पे अगर लॉक स्क्रीन की सेटिंग्स में देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, ज्यादा आपको एडवांस सेटिंग्स ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको स्टेटस बार का ऑप्शन देखने को मिलता है 3rd सेटिंग में, और 4th सेटिंग में आपको यहाँ पे हार्डवेयर बटन्स वगैरह यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये भी गाइस आपको यहाँ पे मिनिमम सेटिंग्स देखने को मिलता है, ज्यादा आपको एडवांस कस्टमाइजेशन इस रॉम में देखने को नहीं मिलता। पिक्सल का काफी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस इस रॉम में आपको यहाँ पे ANX कैमरा प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है, और ये भी काफी अच्छे से वर्किंग देखने को मिल जाते हैं। फोटोज वगैरह काफी अच्छे से यहाँ पे कैप्चर हो जाते हैं, तो फोटोज वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे गाइस जो भी आपका ANX कैमरा है इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड वर्किंग देखने को नहीं मिलता, बाकी गाइस सभी मोड्स काफी अच्छे से वर्क करते हैं। तो ये एक छोटा सा बग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर गाइस यहाँ पे आप 48 मेगापिक्सल की बात करते हो तो 48 मेगापिक्सल भी यहाँ पे काफी अच्छे से वर्क करता है, 48 मेगापिक्सल में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। और मोर मोड्स में बाकी जो भी मोड्स है वो भी काफी अच्छे से वर्क करते हैं, सिर्फ गाइस यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड वर्किंग देखने को नहीं मिलता। ANX की तरफ से आपको यहाँ पे ANX स्कैनर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ये भी यहाँ पे काफी अच्छे से वर्क करती है। सेफ्टी नेट फीचर की बात करें तो ये आपको यहाँ पे लाइव टेस्ट करके दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे पास देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप बैंकिंग एप्लीकेशन सभी यूज कर सकते हो, बैंकिंग एप्लीकेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। और गाइस यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन भी काफी अच्छे से इंस्टॉल हो जाती है। नेटफ्लिक्स की अगर स्ट्रीमिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पे नेटफ्लिक्स को भी HD वीडियो में स्ट्रीम कर सकते हो। यहाँ पे अगर लॉन्चर की बात करो तो बाय डिफॉल्ट आपको इस रॉम में पिक्सल लॉन्चर देखने को मिलता है, ऑब्वियसली पिक्सल एक्सटेंडेड रॉम है तो आपको पिक्सल लॉन्चर ही देखने को मिल जाए। और गाइस यहाँ पे अगर होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ मिनिमम कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ बस डिफॉल्ट लॉन्चर काफी अच्छे से वर्क करता है, कोई भी बग आपको यहाँ पे लॉन्चर में देखने को नहीं मिलता। नोटिफिकेशन पैनल भी आपको यहाँ पे ASP स्टाइल में ही देखने को मिल जाता है, ये भी काफी अच्छे से वर्क करती है। और यहाँ पे -1 स्क्रीन भी देखने को मिल जाता है गूगल की तरफ से। यहाँ पे रिसेंट स्क्रीन भी आप देख सकते हो, ये भी काफी अच्छे से वर्क करता है ASP स्टाइल में, यहाँ पे रिसेंट स्क्रीन देखने को मिलता है। और क्लियर ऑल का ऑप्शन आपको यहाँ पे एंडिंग में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इस परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस टेस्ट भी मैंने यहाँ पे इस रॉम में कर रखा, और यहाँ पे गाइस अगर आपको बेंचमार्क स्कोर दिखा दे तो एंटीटू बेंचमार्क में आपको
काफी कम स्कोर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर स्कोर देखोगे तो आपको 2,06,000 का स्कोर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी कम स्कोर देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर गीक बेंचमार्क 5 में बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको स्कोर काफी कम देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एवरेज स्कोर से भी काफी कम स्कोर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे गाइस रोम का जो इंटरनल जो परफॉर्मेंस है वो काफी कम देखने को मिल जाता है, बट गाइस डेली ड्राइवर के लिए काफी स्टेबल रोम देखने को मिलता है, कोई भी बग यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला। यहाँ पे गाइस अगर सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट की बात करते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे कर रखा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट्स के चार्ट में आपको 84% का मैक्स परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपको सीपीयू थ्रॉटलिंग भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस कॉलिंग फीचर की बात करें तो कॉलिंग फीचर यहाँ पे काफी अच्छे से वर्किंग देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो वोल्टी है वो आपके दोनों ही सिम में सपोर्टेड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बात करें तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये काफी स्लो काम करती है, काफी टाइम पे ये वर्क भी नहीं करती, तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर में थोड़ा सा बग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आपको फिर से यहाँ पे कॉल कनेक्ट करके दिखा दे तो देख सकते हो यहाँ पे ये कॉल कनेक्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉक्सिमिटी सेंसर में वर्किंग में थोड़ा सा डिले देखने को मिल जाता है, बाकी की चीजें यहाँ पे काफी अच्छे से वर्क करती है। अगर यहाँ पे कॉल की सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। प्ले स्टोर में अगर आपको यहाँ पे दिखा दे तो डिवाइस सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम प्ले स्टोर में भी देखने को नहीं मिलता। आप सभी एप्लीकेशन वगैरह काफी इजिली अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस BGMI का गेम प्ले आपको नहीं शो करूंगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे इस रोम का BGMI का गेम प्ले काफी खराब देखने को मिलता है, अब एवरेज परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलता, तो आप गेमिंग के लिए आपको बिल्कुल भी रोम रिकमेंड नहीं करूँ। बैटरी बैकअप की बात करते तो बैटरी बैकअप काफी अच्छी इस रोम की देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैंने काफी दिन तक इसे यूज किया, 2 से 3 दिन तक यूज किया, और यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है स्टॉक चार्जर के साथ। डेली ड्राइवर के लिए यूज करते हो अपना डिवाइस तो आपको फुल डे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, तो बैटरी बैकअप भी इस रोम का काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको स्टॉक चार्जर पे देखने को मिल जाता है, तो आपको फास्ट चार्जिंग में भी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर गाइस इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, इंस्टॉलेशन आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैं डिवाइस बूट हो चुका ऑरेंज फॉक्स की लेटेस्ट रिकवरी में। कभी भी आप कोई भी लेटेस्ट रॉम फ्लैश करते हो तो आपको लेटेस्ट रिकवरी में होना जरूरी, अदरवाइज आपको रॉम फ्लैशिंग में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे वाइप में जाना, और यहाँ पे आपको डेटा कैच डेल्वी कैच इसे आपको वाइप कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाइप हो गया। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपने फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने अपना फाइल कॉपी रखा था माइक्रो एसडी कार्ड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा पिक्सल का रोम देखने को मिल जाता है। इसके साथ में यहाँ पे अटैच करूंगा डिक्रिप्ट की फाइल, क्योंकि गाइस मेरा यहाँ पे डिवाइस डिक्रिप्टेड, अगर आपका यहाँ पे डिवाइस एनक्रिप्टेड हो तो आपको फॉर्मेट डेटा करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डिक्रिप्ट की फाइल यूज नहीं करनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा रोम और जो मेरा डिक्रिप्ट की फाइल है दोनों यहाँ पे फ्लैश करना स्टार्ट हो। आपको इस रोम में जीएफ बाहर से फ्लैश करना नहीं पड़ता, आपको जीएफ प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे जीएफ की कोई भी फाइल यूज नहीं करना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा रोम और जो मेरा डिक्रिप्ट की फाइल है ये यहाँ काफी अच्छे से इंस्टॉल हो गई। गाइस मेरा डिवाइस पहले से डिक्रिप्टेड है, इसके लिए मैं डायरेक्टली बूट कर रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम अपना डिवाइस डिक्रिप्ट करते हो तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका डिवाइस यहाँ पे बूट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं अपना डिवाइस मैंने पहले ही डिक्रिप्ट किया था, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बूट कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं सिस्टम में बूट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका डिवाइस यहाँ पे बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको ये रोम अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है फ्लैशिंग के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या तो मैं टेलीग्राम का ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मैं आपका सभी प्रॉब्लम फिक्स कर दूंगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए रोम के साथ।